फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 15 T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ता है मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 26 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 12:35 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम गाइस सिडनी सिक्सर की बात करें तो जहां 5 मैच में 3 मैच लॉस है 2 मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो 5 मैच में 3 मैच विन है 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों टीमों का टीम फॉर्म लगभग इक्वल चल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेस में। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर देखें तो 7 मैच जीत के आ रही है, वहीं मेलबर्न स्टार 3 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो सिडनी सिक्सर का 50% है, तो वहीं मेलबर्न स्टार का भी 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 147 है, तो वहीं मेलबर्न स्टार का 156 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 197 है, तो वहीं मेलबर्न स्टार का 273 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 92 है, तो वहीं मेलबर्न स्टार का 122 है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, सन्नी रहेगी, 27.7 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 76% रहेंगे, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं पिच पे डिस्कस करते हैं। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोरिंग 155 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग भी कर सकती है और बॉलिंग भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है उस टीम के कैप्टन के ऊपर। अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 51 मैच खेली गई, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच पे देखें तो अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। तो यहाँ पर गाइस जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि यह पिच बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, वहीं बॉलिंग को कम सपोर्ट करेगी। डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं, वहीं बॉलिंग वाली टीम को इस पिच पर रन बनाना काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है। तो आप लोग जरूर देखेगा, काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा। अब आगे बढ़ते हैं फिर दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सिक्सर की बात करें तो जहां बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप ठीक है, बट यहां पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज उसके सामने मेलबर्न स्टार्स जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। यहां पर दोनों का लगभग इक्वल एवरेज चल रहा है। इसकी पहली मैच की रिकॉर्ड चेक करें सिडनी सिक्सर का, तो जहां 3 मैच में से जीत के आ रही है, वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो नो डाउट ये भी काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में काफ़ी मैच जबरदस्त हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर के की प्लेयर की बात करें तो जॉस फिलिप्स, जॉर्डन सिल्क, डैनियल क्रिस्टन, कुर्टिस पैटरसन। वहीं दूसरी टीम मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर की बात करें तो मार्कस स्टोनिस, निक लर्किन, लुक वुड, जॉय क्लर्क, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिडनी सिक्सर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।